नमस्कार नमस्कार बिहार बैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नजीर अख्तर खान और मैं हूं स्मिता गुप्ता। वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नए दिन का आगाज हो चुका है। और कहते हैं एक नए दिन की शुरुआत अगर अच्छी सोच अच्छे विचार के साथ की जाए तो हमारा पूरा दिन ही खुशगवार होता है। और हम सभी को ये अनमोल वचन हमारे जो ऐसे विचार होते हैं हमें आगे बढ़ने में जीवन में प्रेरणा रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, इसलिए बिहार बिहान लेकर आता है हर रोज़ कुछ खास विचार। कहते हैं अगर खास विचार और अनमोल वचन और महापुरुषों द्वारा कही गई ऐसे पंक्तियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो वो हमें जोश से भर देता है, साथ ही साथ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। जी हाँ, तो देखते हैं क्या खास है आज अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारे जो आज खास मेहमान हैं वो हमें हिंदी की महत्ता के बारे में बताएंगे। हिंदी हमारे संविधान में कहाँ है हमें वो बताएंगे। आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान वीरेंद्र कुमार यादव जी का, जो कि हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं भारत सरकार के। साथ ही साथ अपने मेहमान के बारे में बताते चले कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसके प्रस्तावक भी हमारे आज के खास मेहमान हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान वीरेंद्र कुमार यादव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सर, आप हिंदी साहित्य, जब कहते हैं हम हिंदी की बात कर रहे हैं, भारत सरकार हिंदी सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं, हिंदी सलाहकार समिति, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हिंदी सलाहकार समिति क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग हिंदी की बात करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं करते। हम लोग संकल्प हिंदी के लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। आज हिंदी को सिर्फ प्यार की आवश्यकता नहीं है, हिंदी को आज व्यवहार की आवश्यकता है और हिंदी का विकास राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है, शिक्षा और समृद्धि का विस्तार है और ये हमारे संस्कृति का विस्तार है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति है और यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। तभी आपने सवाल बड़ा किया है, क्योंकि अभी समिता जी ने बोला कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ बात को कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है कि नहीं है। हिंदी कल भी हमारी राष्ट्रभाषा थी और हिंदी कल भी राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन जब आज के संदर्भ में हम बात करते हैं तो मुझे सोचना पड़ता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए तीन अवयव नितांत आवश्यक होते हैं। किसी भी देश का एक राष्ट्रीय झंडा हो, एक राष्ट्रगान हो और एक राष्ट्रभाषा हो। झंडा तो हमने किसी पार्टी के चरखे को निकालकर दीवान प्रिय सम्राट अशोक के अहिंसा और त्याग के चक्र को लगाकर हमने इसको पूरा करा। राष्ट्रगान भी हमें कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के सौजन्य से प्राप्त हो गया। भाषा के मामले में यह हम चूक गए। अगर हम आज़ादी के शुभ मुहूर्त बेला पर राष्ट्रभाषा भी घोषित कर देते तो आज मुझे हिंदी सलाहकार समिति बनाने की आवश्यकता नहीं होती, हिंदी का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होती, हम उसमें काम कर रहे होते। तो चूंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया, मुझे मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
जो बहुत ही जुझारू और हिंदी के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब अमृत महोत्सव के समापन पर लाल किले की प्राचीर से वो बोल रहे होंगे, तो जिस तरह से और धाराएं को हटात ही देश पर लाया गया तो हिंदी को भी राष्ट्रभाषा घोषित हो जाती, तो हो सकता कुछ संवैधानिक तकनीकी दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन मैं आशावान हूँ जिस प्रकार से मैंने कहा हिंदी कल भी राष्ट्रभाषा थी और कल भी राष्ट्रभाषा होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अमूमन तौर पे देखने को मिलता है कहीं ना कहीं आज जो पैटर्न है, जो युवाएं हैं या आम लोग भी जो रोज़गार में इस्तेमाल करते हैं, वो अंग्रेज़ी के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम प्रोफेशनली में हमारा बहुत ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर हम देख लें, क्योंकि हम हिंदी भाषा लोग हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आप अगर कहीं भी जाते हैं तो किसी भी आदमी को आपने अमूमन तौर पर नहीं देखा होगा कि वो अपना सिग्नेचर वो हिंदी में करते हों, जिन्हें मिलता है वो इंग्लिश में ही करते हैं। तो लोगों को कैसे हम अवेयर करें, जागरूक करें, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं आएगी तो हमारे घर में हमारे बच्चों को कहाँ से आएगी। देखिए, दो बातें अपनी की है जी, कि जो मैं अमूमन कहा करता हूँ, क्योंकि हमारे संस्थान के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसमें हस्ताक्षर की बात जो उठाया आपने, बहुत ही अच्छा सवाल है और हम लोग कहते रहते हैं, क्योंकि मैं बराबर एक मिशन लिया हुआ हूँ या ध्येय कह सकते हैं कि पटना के बैंक का मैं आंकड़ा मंगाता हूँ तो पटना के लोग जो हिंदी भाषी हैं वो 98.4% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ ना तो सरकार है, ना ही प्रतिष्ठा है, ना बंदिश है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसलिए आह्वान भी करता हूँ और दूरदर्शन के माध्यम से जो श्रोता सुन रहे हैं कि अगर हम इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं तो कम से कम अपना हस्ताक्षर हिंदी अपनी मातृभाषा में करें, तो मैं समझता हूँ कि देश की जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं उसका एक छोटा सा बोध होगा लेकिन मानसिकता बदलेगी। और दूसरा सवाल आपने कहा कि बच्चे आज के युवा अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, तो ये सवाल रहता है मेरा कि भारत सरकार बहुत सारे प्रयास करती, अथक प्रयास करती है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं का कैसे कल्याण हो। केंद्रीय हिंदी समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई है, इसी तरह अनुवर्ती कार्यगृह मंत्री की अध्यक्षता में उसको क्रियान्वयन के लिए बनी हुई है, संसदीय राजभाषा समिति है जो कि 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य मिलकर 3 उपसमितियां बैठती हैं और 3 उपसमितियां भारतवर्ष के जितने कार्यालय हैं, चाहे सरकार के कार्यालय हों, उपक्रम के कार्यालय हों, बैंकिंग कार्यालय हों, वहाँ किस प्रकार से काम हो, हिंदी में बढ़े, उसके लिए प्रयासरत होते हैं। दूसरी बात आती है कि 343 से 351 हमारा संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में राजभाषा के लिए दिया हुआ है, उसमें एक 348 धारा है जिसकी बार बार मैं जिक्र करता रहता हूँ कि 348 धारा हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को निर्धारित करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी निर्धारित है, तो संशोधन करने का प्रस्ताव 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन ने पारित करके सरकार को दिया है और सरकार जिस दिन अध्यादेश बना के उसको लागू करेगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और तीसरी बात जो आपने कहा कि हम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, या थोड़ा सा मैं दृष्टिगत दो सरकार का भी देखता हूँ कि अंग्रेजी को हमने शिक्षा से, परीक्षा से, दीक्षा से, नौकरी से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से, पैसा से जोड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि आप कोई भाषा खराब नहीं होती है, अंग्रेजी जिसको पढ़ना पड़े लेकिन हिंदी और भारतीय भाषा का सम्मान नहीं हो, आप उच्च शिक्षाओं में उसका विकल्प जोड़ दें, तो मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बच्चे हिंदी या भारतीय भाषा क्यों नहीं पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी मूलभूत कारण है, ये इसको करना चाहिए। बिल्कुल, जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हिंदी क्यों नहीं सीख रहे हैं या हिंदी कहाँ है हमारे विषय में, हमारी शिक्षा नीति में, तो जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, आज चारों तरफ चर्चाएं हैं कि शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए हैं, इसमें हिंदी कहाँ है? देखिए, आपने बहुत, सुमिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है क्योंकि मैं इससे जूझता भी रहता हूँ और सरकार ने
एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया है कि हम हिंदी में ही नहीं, भारतीय भाषाओं में ही, क्षेत्रीय भाषाओं में, बोली में भी शिक्षा देंगे। और ये अगर अमूमन लागू हो जाता है तो भारत के लिए इतनी बड़ी बात होगी कि जो भारत अभी खंड खंड होने को है, वो अखंड भारत का निर्माण करने का काम करेगी। फिर भी सवाल उठता है, ये शिक्षा नीति कोई पहली बार तो नहीं बन रही, शिक्षा नीति पहले भी बनी है। और शिक्षा नीति के कायल में आज अंग्रेजी से अगर मैं वास्ता पड़ा हो तो आधुनिक भारत में 1835 में मैकेले ने शिक्षा नीति लाई। क्या शिक्षा नीति लाई? उसने लाया कि हम भारत के लोगों को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं बना सकता हूं, इतनी स्वाभिमानी है। उन्होंने ब्रिटिश के संसद में प्रस्ताव दिया कि मैं इनको अपनी भाषाओं में ऐसे शिक्षित करूंगा कि इसे अपने हर चीज से घृणा होने लगेगा। उन्होंने कहा था 1835 में। आज अगर वो जिंदा होते या कहीं सुन रहे होते तो वो तो सोचा था कि मैं ठेनेवर अंग्रेजी को लाया हूँ, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम भारतीय माथे पर चिपका लेंगे और इस तरह से चिपका लेंगे कि उससे हटेंगे तो हम हट जाएंगे। तो इस तरह की कई बातें होती हैं। और शिक्षा नीति 1937 में जब हमारे समृद्ध मैंने सरकार बनी थी तभी भी लाने की कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद हंटर कमीशन आया, उसके पहले हंटर कमीशन आया, तो बहुत सारे बनते बनते आज़ाद भारत में नेहरू जी ने भी लाने की कोशिश की, नहीं ला पाए ठीक से। लेकिन पहली बार इंदिरा गांधी लाई, उसमें भी शिक्षा नीति पर आया, उसमें भी भाषा था। तब हमको लगता कि जो अंग्रेज भी शिक्षा नीति लाया था मैकेले भी, तो छठी तक अनिवार्य था हिंदी, लेकिन हमने जो आज़ाद भारत में लाया है हमने अनिवार्य नहीं किया। हमने अनिवार्य नहीं कराया। तो फिर उसके बाद सचमूल अगर हम सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी के पहले राजीव गांधी जी शिक्षा नीति लाई तो उसमें जरूर कुछ मूलभूत बातें आईं। उसमें यह है कि शिक्षा को हर वर्ग के लोगों से जोड़ें, तो उन्होंने नवोदय विद्यालय का निर्माण किया, मुक्त विश्वविद्यालय का निर्माण किया और ग्रामीण विश्वविद्यालय की परिकल्पना उनकी थी, तो जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया। और अब जो क्रांतिकारी कदम उठाने की बात हो रही है ये बहुत ही सही और सामूल हो सकता है, बशर्ते कि इसको कठोरता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। मतलब आपको कहना है कि गवर्नमेंट बहुत तो अनिवार्य कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस है कि हम हर जगह उसका उपयोग करें। हाँ, अपनी बोलचाल की भाषा में, कार्य भाषा में या रोजगार की भाषा में। लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? जैसे करेंगे तब हम ना, जब हमारे देश में रोजगार नीति और राजभाषा की नीति में कोई सामंजस्य नहीं है। हाँ, राजभाषा नीति भी अगर हम आए आपके लिए, क्योंकि आपने क्या शिक्षा नीति की बात हमने कर ली, राजभाषा नीति जो बनी वो क्या है हमारे दर्शकों को बताएं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे से पूरक है, अलग नहीं है। शिक्षा नीति में भी वो लाना पड़ेगा, जैसे रोजगार नीति अंग्रेजी केंद्रित है जी, राजभाषा नीति तो हिंदी केंद्रित है, तो भावना से तो नहीं चलेगा। अगर राजभाषा हिंदी या भारतीय भाषाओं में पढ़कर हम उच्च पद पर नहीं जा सकते हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि हिंदी पढ़ें? तो इसके लिए सामंजस्य नीति बनाने की आवश्यकता है। और जिस दिन बनेगी, हम लोग लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और ये सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ भी है। हिंदी भाषा की एक भाषा के तौर पर इसकी सामयिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर प्रकाश डालें। देखिए, हिंदी भाषा अगर आप साहित्य की भाषा कहते हैं तो वहाँ हिंदी को कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं बात करता हूँ कि हिंदी की भाषा सत्ता की भाषा कैसे बने, शक्ति की भाषा कैसे बने, तो ज़रूर दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि संविधान की ओर हम देखते हैं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। दो चार दिन के बाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए और इनकी बड़ी अंदर से इच्छा थी, अदम्य इच्छा थी कि हम संविधान को हिंदी में रचें, हिंदी में पारित करें। इनकी अदम्य इच्छा के बावजूद महाराष्ट्र के संविधान सभा के सदस्य थे श्री रघुनाथ राव बिष्णु धोलेकर, उन्होंने पहली बार संविधान हिंदी में बने, उसका मांग कोई हिंदी भाषी ने नहीं किया, वो मराठा भाषी है। बहुत जानना चाहिए लोगों को। और जब वो लगाए तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि बनेगी हिंदी में। फिर सेठ गोविंद दास जो समय के हिंदी सेवी थे उन्होंने बात उठाई तो कहा कि नहीं पास तो करेंगे, हिंदी की प्रतियां अनुवाद की प्रतियां आएगी। तो यहीं से शुरू हुई हमारी हिंदी को अनुवाद की भाषा बनाने की, और अनुवाद समिति बनी। और अनुवाद समिति जब बनी तो ऐसे ऐसे साहित्यिक लोग लाए गए। अभी समय नहीं है तो मैं दृष्टांत को पढ़ना भी चाह रहा था कि कैसे कैसे अनुवाद हम लोग करते थे, कि दो चार उद्धरण में जरूर बताना चाहूँगा कि अब संविधान का इंटरनेशनल उसका हम बनाते हैं अंतर कौमी डिसिप्लिन कायदारी लेजिस्लेचर कानूनकारी कंट्रोलर जनरल सर परतालिया सेंट्रल कैबिनेट क्या होगा इसके हिंदी हमारे बिच बिंदी खोले सिटीजन नागरा रेसिडेंटरी पावर रही सही शक्ति। तो ये बात आती है कि संविधान सभा को जो अनुवाद कर रहे थे संविधान को, उसमें राहुल संकृत्यान भी थे, तो उन्होंने कहा भी कि मुझे संवैधानिक भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण मेरा अनुवाद अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी शालीनता थी विद्वता थी उन्होंने इसको माना। तो संविधान फिर दूसरी समिति बनी तो बनाई गई, और संविधान सभा ने जब अनुवाद का खंड से अंग्रेजी में पारित करते चला गया, एक दो तीन प्रारूप आते गया, बी एन राव से लेकर अम्बेडकर जी आए, सबने अंग्रेजी में खंड से पारित कर दिया। तो बात आई कि जब संविधान सभा ने अपना 49 में पारित कर दिया और 24 जनवरी 1950 को उनका समापन समारोह हुआ, उसके पहले हिंदी का अनुवाद आया। तो हिंदी का अनुवाद आया तो चलो भाई, अंग्रेजी वाले में 278 सदस्यों ने, हिंदी वाले में 282 सदस्यों ने हस्ताक्षरित कर दिया और राजपत्र में चला गया। और हम लोग मान लिए कि हमने हिंदी में पारित कर दिया। इसी का मूल है कि सभी जो विद्वत जन है वो भी बोलते हैं हमने तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमने संविधान को हिंदी में पारित किया है। तब ये बात कब उठी कि जब 1961 में विधि आयोग का गठन हुआ तो पहली बार उसमें आया कि जो हमने संविधान को पारित किया है वो क्या, उसका क्या अस्तित्व है। तो सारी समितियां बनाई गई, नरेंद्र डे महान न्यायवादी थे, सब लोगों ने जब तय किया क्या इसमें तो वैधानिक बली हिंदी का प्राधिकार, चूंकि हमारे संविधान में एक जगह दिया हुआ है कि संविधान का अंग्रेजी पाठ को अनुवाद कर सकते हैं। तब समस्या खड़ी हो गई, केंद्रीय हिंदी समिति में आई, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विधि मंत्री को बोला क्या ये अति हो गया। तो जिस देश का संविधान जिस भाषा के वहां के लोग नहीं जानते हो उसमें तो पारित हुआ, आत्मर्पित हुआ, लोकार्पित हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो फिर हिंदी में हमारा संविधान कब बना, ये भी बात उठेगी, लोग जानना भी चाहेंगे कि हिंदी में संविधान कब बना। तो उसको बनाने में हमने जो केंद्रीय हिंदी समिति में बात आई तो पहली बार संसदीय राज्य समिति में बात उठी, कितनी विडंबनापूर्ण बात हुई। तो फिर जगन्नाथ कौशल विधि मंत्री थे, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और तब जा करके मुझे लगता है कि पहली बार लोकसभा में 1980 में बूटा सिंह गृह मंत्री थे तो प्रस्तावित किया गया है। तब दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसको पारित करने में हमने 12/1/1988 को लागू किया। उस दरमियान चूंकि हमने अपने संविधान का हिंदी को बनाने में 40 वर्ष लगा दिया और वो भी प्राधिकृत नहीं है जी। अगर विवाद का विषय होगा
तो अंग्रेजी का जो प्रधिकृत पाठ है वही मान्य माना जाएगा। तो मैं हिंदी के दोज में भी उसको अनुवाद की तरह देखता हूँ जी। इसलिए अच्छा ये कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विस्तार है हिंदी, तो इतना भेदभाव क्यों? हमारी संस्कृति है, हमारी बोलचाल की भाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम हर जगह उसका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि इतना वक्त लग गया एक संविधान को हिंदी में लाने में। तो मैंने शुरू में बताया था, शायद अपने अख्तर जी ध्यान नहीं दिया, कि निश्चित रूप से भाषा हमारे संस्कृति का विस्तार है। भाषा से संस्कृति इस तरह से निहित होती है कि मैं छोटा सा उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ। आज घर घर में क्या घुस गई है, मम्मी पापा चले गए, माता पिताजी तो कब का चले, कब का चले, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा भी नहीं रहे, मॉम डैड हो गए। तो ये संस्कृति का विकृति होता है। या बच्चे या कोई भी लोग अब पूछें कि शाम को कहाँ जा रहे हैं, सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो कोई टहलने नहीं जाता है, वॉक करने जाता है, मॉर्निंग वॉक में जाता है, इवनिंग वॉक में जाता है। हमारे बॉडी में पेन होता है, दर्द नहीं होता है, बेशक। तो ये चीज संस्कृति का, और इससे व्यवहार बदलता है, परिवार का संस्कार बदलता है। भाषा सिर्फ भाषा का माध्यम नहीं है। आपने जो सवाल उठाया कि संस्कृति से ओतप्रोत भाषा हमारी, हम जब बोलते हैं या किसी भाषा का संबोधन करते हैं, एक संबोधन से पता चल जाता है कि हम चाचा बोले, फूफा बोले, मौसा बोले, मौसी बोले, और अंकल आंटी में क्या पता चलता है? तो नहीं पता चल सकता है कि कौन है। जो संबंध है वो तो पता नहीं चल सकता है, बताना पड़ेगा, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा मूल चीज है, और हिंदी तो इतनी वैज्ञानिक चीज है लिपि के अनुसार से भी, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा पढ़ते हैं, वैसा लिखते हैं, वैसा विचार करते हैं, इसलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं नज़ीर हमें ऐसा लगता है ना कि हम अंग्रेजी शब्दों का जितना अधिक अत्याधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को ममोड़ रहे हैं, संस्कृति से दूर हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में आगे बढ़कर। बहुत सारे जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं कि हिंदी संस्कृति से हम दूर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदी की महत्ता को कायम रखने के लिए कार्य करती है, उन समितियों के बारे में बताएं। देखिए कुछ समिति का जिक्र मैंने सरकारी समिति का किया था, बहुत सारी समितियां हैं। अगर मैं बात करने लगूं तो मुझे लगता है कि बिहार विधान का कई वक्त थोड़ा कम वक्त चला जाएगा, क्योंकि फिर भी कुछ मूल चीज़ को मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम हिंदी को बढ़ाने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया। राजभाषा आयोग जो कि पूरे भारतवर्ष के वृत्त में जहाँ हिंदी उत्तर प्रदेश है वहाँ काम करती है कि वहाँ के लोग हिंदी का समन्वय करें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब हिंदी वाले ही समन्वय नहीं कर पाते तो हम दूसरे लोग को भी करते हैं। तो राजभाषा आयोग, संसदीय समिति बताया मैंने, फिर खेर समिति बना, दौलत सिंह कोठारी आयोग बना। तो दौलत सिंह कोठारी आयोग बना तो एक जानकारी मैं बताना चाहता हूँ कि उसके आलोक में 1978 से मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो जो भारतीय प्रशासनिक की सेवा होती थी उसमें हिंदी का शुरुआत करा गया है। एक बहुत बड़ी बात है उस दरमियान 78 जो अब तक चल रहा है। और उस चीज़ को मैं जब देखता हूँ और आज जो 2022 का परिणाम भारतीय प्रशासनिक सेवा का है तो मैं बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि पहली बार संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास में हिंदी ने इतिहास रचा है। जितने बच्चे निकले 54 बच्चे हिंदी भाषा से पास करके निकला है, वो पहली बार ऐसा हुआ है। और जिसमें कि 29 बच्चे हिंदी साहित्य से हिंदी विषय लेकर के पास किए हैं, ये जरूर ही हिंदी की बड़ी उपलब्धि है। और ये सरकार जब काम कर रही है तो लगता है कि राष्ट्रवादी सरकार की सोच में एक कदम आगे बढ़ने की बात है। सही बात है, एक छोटी सी पहल करने की जरूरत है तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पहल हम लोग करेंगे अपने अपने आम बोलचाल की भाषा में, घर में या जहाँ जहाँ हम बातचीतें करते हैं, अपने बच्चों को अवेयर करें, उन्हें बताएं हिंदी का महत्व। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी जी को हिंदी में पत्र लिखा है,
ये हिंदी की विश्व स्तर पर उपयोगिता है। बिल्कुल, ये हमारे लिए गर्व की बात है। चूंकि मैं बिल्कुल गर्व की बात है, मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति का भी सदस्य रहा हूँ। जी, विदेश मंत्रालय की समिति होती है, विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रचार प्रसार होता है, तो मैं जाता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन में से कोई पूछे हमसे कि आप तो विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने चले आते हैं, देश में हिंदी की स्थिति इतनी शिथिल क्यों है, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर भारत में हिंदी नहीं होगी तो क्या विश्व में हिंदी हो सकती है? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो लोग प्रदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो अपनी बोलचाल की भाषा को या अपनी जो बात करने का तरीके को बहुत छुपा के रखते हैं, हिडन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे हिंदी में बात करूँ या अपने मदर टंग में बात करूँ तो लोगों को ख़राब महसूस होगा। तो बहुत बातचीत करने के बाद पता चलता है कि अरे भाई, आप इस प्रदेश से हैं, आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, भाई यहाँ तब क्षेत्रीय भाषा वो बोलना शुरू करते हैं। दो शब्द मैं तो पहले अपनी बात को पूरी कर लूँ कि जो मैं बता रहा था कि हम आज साहित्यकार मित्रों से भी कहते हैं हिंदी को साहित्य की भाषा से ऊपर ले जाइए। आज हिंदी को विज्ञान की ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है, तभी हम भारत के आंगन में नवान का उत्सव देखेंगे और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होते देखेंगे। इसके लिए भी राष्ट्रीय सोच बनाने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। चंद्र जी, अब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, आपका हिंदी से जुड़ाव किस प्रकार से हुआ? हिंदी तो हमारी आत्मा में बसती है, हिंदी हम सभी के अंदर है, किंतु हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना, हिंदी के लिए लोगों को जागरूक करना, इस क्षेत्र में आप कब से आए और आपके घर का ऐसा माहौल था या आपने खुद ही स्कूल कॉलेज से हिंदी की ओर आपका आकर्षण था, क्या कुछ था इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि घर का माहौल भी था और मेरे विद्यालय का भी था। तो पहले मैं घर का पृष्ठभूमि दे देता हूँ। चूँकि मेरे पिताजी 22.5 साल सांसद रहे और संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में उसके संयोजक भी रहे, और मुझे लगता है कि संसद का अगर वृत्तांत निकाला जाएगा तो हिंदी के बारे में जितना प्रश्न और प्रति प्रश्न इन्होंने किया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी कार्यालयों में भी वो क्रियान्वयन होने के लिए वक्त है, वक्त मैंने अभी अनुत्तरित है पड़ा हुआ जी। और इनका देहांत भी संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में सुदूर कोयम्बटूर में सांसद रहते हुए इनका निधन हुआ। तो वो तो एक संस्कार में, परिकल्पना में रही। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मॉडर्न स्कूल पूरा अंग्रेजी में वातावरण का स्कूल है, और बड़े बड़े पिता के बिजनेसमैन, नेता हों, अधिकारी हों, उसके पुत्र वहाँ पढ़ते थे, संयोग से हम लोग भी वहाँ चले गए। तो पहली बार एक पत्रिका निकलती थी संदेश, तो सिर्फ अंग्रेजी में निकलती थी, तो वहाँ मुझे खला इसलिए खला कि मैं कुछ दिन पहले, ये 1980 और 81 की बात होगी, एक जापानी छात्र को मैंने धरले से हिंदी बोलते हुए देखा। तो मैंने पूछा उसको, बस स्टॉप पे बैठा था वो, तो मैं पूछा कि तुम यहाँ हिंदी ऐसे कैसे आ गए तुम्हें? तो बताया कि मैं अपने पिता से बोला कि मैं जापान से हिंदी सीखने भारत आना चाहता हूँ, कि भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी है। तो पिताजी ने कहा कि कौन, वहाँ तो जितने लोग आते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। फिर भी मैं किसी तरह मना के आया और मैं यहाँ, संस्थान जो आपकी सरकार तो आंकड़े में विश्वास करती है, आंकड़े 10% आंकड़े बढ़ा जाता है, काम तो होता ही नहीं है। बोले कैसे, हिंदी की परीक्षाएं होती, करके परीक्षाएं होती हैं, पास करा दिए जाते हैं। तो उसने जो एक दो मूल बातें बताई हमको, कि एक तो कहा कि मैं हिंदी के प्राध्यापक से हिंदी में बात करता हूं तो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है, तुम अंग्रेजी में मुझसे बात कर सकते हो। तो जो जिसको जिस चीज के लिए रखा गया है वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। और दूसरी मूल बात जो उसने बताई
कि हमने ऐसे ही पूछा, चुनाव चल रहा था, मैंने कहा मेरे प्रजातंत्र के बारे में बताओ। कहता आपके देश में प्रजातंत्र भी है, ये तो मैं नहीं समझता हूँ। जहाँ तंत्र की भाषा में और शासन की भाषा में भिन्नता हो, वहाँ जनतंत्र हो नहीं सकता है, प्रजातंत्र हो नहीं सकता है। उसने कहा आपके यहाँ चुनाव में गया, पूछा किसको दे रहे वोट, पे चपंजा के दे रहे हो, कमल के दे रहे हो, साइकिल के दे रहे हो, सब छाप बता रहा है। मैंने पूछा किस उम्मीदवार को, कहे मुझे नहीं पता, जिसको ठप्पा मारना, तो ये प्रजातंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह उसने लगाया। तो जब मैं उसकी जिज्ञासा को देखा, तब मैं उस संदेश की जो मैं बात बता रहा था, तब मैं तत् के प्रधानाचार्य जो इंग्लिस माहौल का था, मैंने प्रधानाचार्य से आग्रह किया कि आप कम से कम दुभाषिया करें, आधा हिंदी करें और आधा अंग्रेजी करें। उन्होंने मेरी बात को माना और मुझे लगता है कि काशी से वो आज तक भी वो संदेश चल रही है। और लेकिन हिंदी के लेखक कम पढ़ते हैं, उसमें हम लोग नहीं लिखते थे, तो लिखना का जो शुरुआत हुई, मेरा लेखकीय रचना करने का जो शुरुआत हुआ, मुझे लगता है कि मैं आज 150 पत्रिकाओं में छपता हूँ। भारत सरकार के लगभग जितने मंत्रालयों से, विभागों से पत्रिका निकलती है या जो सामान्य पत्र पत्रिकाएं हैं, तो ये नींव वहाँ से पड़ी 80-81 से। हाँ, 80-81 के दरमियान, एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब 80-81 का वर्ष है। तब से मैं इसमें लगातार लगा हुआ हूँ और मैंने कई संस्थाएं भी बनाई। फिर IIT में जब हिंदी नहीं हो रहा था, तो उसको श्याम रुद्र पाठक, जो भी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं, उसके सौजन्य से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, तो पहला IIT का हिंदी का वैज्ञानिक बना। उसकी भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। फिर तो उसके बाद बहुत सारे, अभी भी मैं अपने संस्थान पिताजी के नाम से ही बनाया हूँ, जगदम्बी प्रसाद स्मृति प्रतिष्ठान, इससे मैं 4 कार्यक्रम करता हूँ और हिंदी उत्तर प्रदेश में 1 कार्यक्रम करता हूँ। हिंदी और वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका समन्वय से वहाँ को जोड़ करके इस कार्य को गैर सरकारी तौर पर, सरकारी तौर पर तो मैं जाता ही रहता हूँ, लेकिन ये गैर सरकारी तौर पर ये 4 कार्यक्रम प्रतिवर्ष करता हूँ। खुद से करते हैं? खुद से करते हैं? खुद से करता हूँ जी। अच्छा, बिल्कुल नजीर, आपका कुछ प्रश्न है? आप सवाल कर सकते हैं। नहीं, आपने अपने बारे में, अपनी अपने विषय में बताया बहुत कुछ कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई। कहीं ना कहीं एक विदेशी छात्र ने आपको अपने देश की भाषा के बारे में जागरूक किया और अब वहाँ से हिंदी की ओर आपका रुझान बढ़ा। वीरेंद्र जी, कई पत्रिकाएं आपके सामने रखी हुई है, आपने कई पत्रिकाएं लिखी हैं, कई पत्रिकाओं में आपकी लेखनी छपी है। जानना चाहूंगी आपके साथ, आपके पास जो पत्रिकाएं हैं, इसके विषय में। ये देखिए, ये पत्रिका है राजभाषा दर्पण, ये हमारे संस्थान से निकलती है, साल में 2 या 3 निकालता हूँ मैं। इसमें लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साथ नवोदित लेखकों को भी जोड़ता हूँ और इसको प्रतिवर्ष हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये करता हूँ। इसके ये नौमांक है ये जी। और दूसरा जो, जिसमें मैं छपता हूँ, तो 2-3, ये गगनांचल है, ये विदेश मंत्रालय की पत्रिका है और ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो भारत सरकार का विंग, जो विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करती है, वो पत्रिका है। और एक मैं, ये राजभाषा है, राजभाषा जो गृह मंत्रालय होते हैं भारत सरकार का, वहाँ से निकलती है। और ये कई बैंकों की पत्रिका होती है, जैसे राजभाषा अंकुर है, ये पंजाब एंड सिंध बैंक का है और इसको थी करके छपता रहता हूँ मैं। इसी तरह अन्य मंत्रालयों विभागों की पत्रिकाएं हैं जिसमें मैं छपता रहता हूँ, और दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, इसमें भी मैं भाषा और संस्कृति की बात करता हूँ। थोड़ा बहुत कभी किसान की बात हो, कृषि की बात हो, इस पर भी चर्चा करता हूँ। और एक मूल स्वरूप में मैं अगर बताऊँ तो राजनीति से जो समय मुझे मिलता है, उसको हिंदी के विस्तार में जोड़ देता हूँ या छोड़ देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने। लेकिन हम आखिर में ये निकलता है कि हिंदी को, हिंदी भाषा को अपना वाजिब हक अभी तक नहीं मिला है, जिसके लिए आप अब तक लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त निकाला आपने हमारे खास प्रोग्राम बिहार बयान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में और हिंदी विषय पर इतनी सारी चर्चाएं की और हमारे दर्शकों के साथ इतने सारे विचार साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें पत्र लिखें, और पत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हमारा पता हो। उठाइए कागज और कलम और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र छज्जू बाग,
फ्रेजर रोड पटना 8001 हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com।